साल 2022 हुबली में हुए तशद्दुद में कुल 150 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार कर यूएपीए एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 37 लोगों को बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है। 16 अप्रैल 2022 का ये मामला है, जब रमजान का महीना था और हुबली में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें अब तक कई बेकसूर मुसलमान जेल में सजा काट रहे हैं। अभिषेक हिरेमठ नामी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाला नौजवान रमजान के महीने में जानबूझकर मदीना शरीफ की फोटो पर भगवा झंडा लगाकर व्हाट्सएप स्टेटस रखता है, जिसको देख मुसलमानों में आक्रोश बढ़ गया था। कुछ मुसलमानों ने उस वक्त हुबली ओल्ड पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज कर अभिषेक नामी हिंदुत्व दहशतगर्द को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की और मामला बिगड़ने पर पथराव भी किया गया था। 2022 में बीजेपी हुकूमत होने के कारण मदीना शरीफ की फोटो पर भगवा झंडा लगाकर माहौल खराब करने वाले शख्स पर मामूली केस बुक कर जेल भेज दिया गया, जो कुछ ही दिन बाद बेल पर रिहा किया गया था। और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ पत्थरबाजी की गई तो पुलिस ने बीजेपी के इशारों पर कुल 150 से ज्यादा बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार किया और यूएपीए देशद्रोही एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था, जो पिछले 20 महीने से सजा काट रहे हैं। अक्सर मुल्क हिंदुस्तान में जानबूझकर मस्जिद पर हमले, कुरान के साथ छेड़खानी, मक्का मदीना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के वाक़े पेश आते हैं, लेकिन आज तक मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने वालों पर यूएपीए एक्ट नहीं लगाया गया। यूएपीए एक्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है, अगर कोई मामूली गलती भी कर दे तो मुसलमानों को यूएपीए एक्ट के तहत आतंकवादी बताकर जेल भेज दिया जाता है। हुबली के अलावा दीगर ऐसे कई वाक़े हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें कई हजारों बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार कर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। हुबली तशद्दुद मामले में पूरे 20 महीने बाद 150 में से कुल 37 मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का आदेश दिया गया है। इन 37 लोगों की रिहाई के ऑर्डर पर बाकी 100 से ज्यादा लोगों को हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका से बेल मिलने का अंदेशा है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।